हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, एज ए प्रैक्टिस बेस पर इसको अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में डिफाइन किया गया। आर्टिकल 17 में इसको बताया गया। पहले के टाइम में छुआछूत के बारे में बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित थी, बहुत सारे रूढ़ियां थी, बहुत सारे समाज में चीजें प्रचलित थी। जैसे कोई निचली जाति का, जैसे कोई SC ST में से या किसी अन्य के घर पे चला गया तो उसे अवॉइड करते थे, उसके साथ बैठना, खाना मिलना। या कुछ ऐसी जगह थी जहां पर कुछ लोगों का प्रवेश प्रतिबंध था, ऐसी चीजें थी। तो इस चीज को, इस प्रथा को खत्म करने के लिए ये आर्टिकल 17 बनाया गया, अनटचेबिलिटी। कि ये जो छुआछूत है, ये जो नीचे रूढ़ियां पैदा हैं, ये जो समाज को, एक वर्ग को, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके पोजीशन को गिराते हैं, उस चीज को खत्म किया जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सभी सिटीजन्स को बराबरी का राइट देता है, इसलिए इसे खत्म करना बहुत जरूरी था। तो पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। दूसरी बात, जो इसका मेन ऑब्जेक्ट था, इट्स मेन ऑब्जेक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन फॉर्म। जो समाज में प्रथा है, जो समाज में चल रहा है अनटचेबिलिटी के बारे में, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना है, उस पर पूरी तरह से बैन लगा देना है। ये इस आर्टिकल 17 का मतलब था। अब इसमें से इसी बात को बैन लगाने के लिए लोग, आम बात कह दो तो लोग नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें कुछ सजाएं कर दी जाए, उनको कुछ प्रेशर पड़े, उन पर कुछ डर पैदा हो, इसके लिए इन्होंने हेंस पार्लियामेंट इनेक्टेड एन एक्ट, एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, उसका नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। आर्टिकल 17 के तहत ये पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया। कौन सा? द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। अब इस एक्ट में जो सजा है, पनिशमेंट है, उसके बारे में डिफाइन किया गया कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट प्राप्त होगा, उसके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। और इसी को रिनेम्ड एज, उसको संशोधित करके कुछ चीजों में वो बनाया गया, उसको कहा द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये उसी का अनटचेबिलिटी ऑफेंस 1955 का ही रूप है। अब इसमें से इसमें क्या कहा गया? इट्स प्रोवाइड दैट, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? नो पर्सन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप एक्सेट्रा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का रहने वाला, भारत क्षेत्र के भीतर रहता है, वो धर्म के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, या इस तरीके की जो भी चीजें हैं उनके आधार पर कहीं पर प्रतिबंध नहीं करेगा, कहीं पर उनकी रोक टोक नहीं करेगा। जैसे मान लो कि किसी मंदिर में किसी विशेष वर्ग को जाना मना है, ऐसा नहीं किया जाएगा। हर वर्ग का आदमी, हर कास्ट का आदमी, हर पुरुष हो या महिला हो, वो स्वतंत्र है हर जगह जाने के लिए, हर कार्य करने के लिए, एक दूसरे को छूने के लिए, और खाना, बैठना, उठना, उनके दरवाजे से जाना, उनके चबूतरे को छूना या उन व्यक्तियों के साथ में बैठना, उठना, ये सब चीजें एक समान रहेंगी, इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो समाज में इन्हीं बातों के लिए प्रथाएं थी, उन सबको ये बैन कर दिया, उन सबको ये समाप्त कर दिया। बड़ा काम किया ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 ने। अब इसमें
जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि जो आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 15(2) है वो प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट ऑफ आर बोथ स्टेट एंड प्राइवेट। जो आर्टिकल 15(2) था और ये आर्टिकल 17 है, ये दोनों को दोनों जो स्टेट है और जो प्राइवेट आम नागरिक है, आम जो लोग हैं, सभी लोग, उन सब को इस बात के लिए किसके लिए, अनटचेबिलिटी के लिए प्रतिबंधित करती है, इसके लिए भेदभाव करने से पूर्ण रूप से मना करती है ये दोनों ही आर्टिकल। तो अभी आर्टिकल 17 वेरी इजी आर्टिकल था, अनटचेबिलिटी, समाज में भारत क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी अगर करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, वो अनटचेबिलिटी फॉर्म में इंडिया के भीतर, भारत के क्षेत्र के भीतर नहीं कर सकता, इसको पूरी तरह से इस एक्ट के तहत बैन किया गया। तो अभी आर्टिकल 18 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आर्टिकल 17 क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।